देश भर में सर्दियों का मौसम आ चुका है। लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े और जैकेट के अलावा रूम हीटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में रूम हीटर की गर्माहट से कमरा गर्म हो जाता है और हमारा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक बंद कमरे में रूम हीटर के इस्तेमाल से हमारी सेहत पर असर पड़ सकता है? इतना ही नहीं, ये हमारी जान के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में अगर आप भी अपने घर में रूम हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ बातें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे रूम हीटर का इस्तेमाल कैसे करें, रूम हीटर से होने वाले नुकसान, कौन सा रूम हीटर लगाना बेहतर होगा। अगर आप भी रूम हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वो बातें हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मार्केट में आपको कई तरह के हीटर मिल जाएंगे, जैसे अंगीठी, फैन हीटर, क्वार्ट्ज हीटर, ऑयल फील्ड रूम हीटर, रेडिएंट हीटर, इलेक्ट्रिक हॉट जेल बैग। ये बाजार में मिलने वाले वो रूम हीटर है जो आपको ठंड से तो बचाएंगे, लेकिन अगर आपने इनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इन सब में ऑयल फील्ड रूम हीटर सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस हीटर में तेल से भरी पाइप की मदद से कमरे को गर्म किया जाता है। ये कमरे की नमी को सोखता नहीं है, जिसकी वजह से ना तो आपको सांस लेने में कोई तकलीफ होती है और ना ही आपका दम घुटता है। रूम हीटर जलाने से कमरे के अंदर का ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है। रूम को गर्म करने के लिए रूम हीटर में कन्वेंशन, कंडक्शन, रेडिएंट हीटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। रूम हीटर में लगी मेटल रॉड या सिरेमिक कोर लगा होता है जो कमरे में मौजूद नमी को खत्म कर देता है, जिससे सांस लेने में तो तकलीफ होती ही है, साथ ही आपकी स्किन भी ड्राई हो जाती है। कई बार तो ऑक्सीजन लेवल कम होने से सुस्ती आना, घुटन होना, सांस लेने में परेशानी और बेहोशी तक की हालत हो जाती है। ऐसे में कुछ लोगों को खासकर रूम हीटर से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है, जिसमें रेडिएंट हीटिंग अस्थमा के पेशेंट्स, रेडिएंट हीटिंग ब्रोंकाइटिस के पेशेंट, रेडिएंट हीटिंग बुजुर्ग व्यक्ति, रेडिएंट हीटिंग साइनस के पेशेंट्स, रेडिएंट हीटिंग स्किन एलर्जी वाले लोग, रेडिएंट हीटिंग और छोटे बच्चे। इसके अलावा रूम हीटर का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। रूम हीटर का इस्तेमाल करने से पहले कमरे में किसी बर्तन में पानी भरकर रखें, इससे कमरे में नमी बनी रहेगी। इसके अलावा हीटर को सही टेम्परेचर पर सेट करें, समय समय पर हीटर की सर्विस जरूर करवाएं, कमरे का दरवाजा या खिड़की खुली रखें, रात भर हीटर चलाकर कभी ना सोएं। ये वो बातें हैं जिनका ध्यान आपको कमरे में हीटर जलाते समय रखना है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हीटर जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कई गैसें निकलती है, जिससे व्यक्ति का दम घुट सकता है और इससे उसकी मौत भी हो सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।